नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200 टेस्ट मैच और 460 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले भी दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं। मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी दुनिया उनकी मुरीद है। एक गरीब परिवार में जन्मे सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर मास्टर ब्लास्टर के रूप में अपनी छाप छोड़ी और जमीनी स्तर से जुड़कर आसमान की ऊंचाइयां छुई। भले ही सचिन तेंदुलकर आज बड़ी हस्ती हो, लेकिन वो अपने अतीत को नहीं भूले हैं, जहां उनको पैसा तो नहीं लेकिन ऐसे संस्कार जरूर मिले जिसके लिए लोग तरसते हैं। यही कारण है कि सचिन तेंदुलकर ने कभी भी पैसों के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। बैटिंग जीनियस सचिन तेंदुलकर ने युवाओं पर अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी संस्कारों की भी छाप छोड़ने का काम किया है। पिछले सप्ताह आज तक से बात करते हुए सचिन तेंदुलकर ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने कभी भी शराब और तंबाकू के उत्पादों का प्रचार नहीं किया। यहां तक कि क्रिकेट के भगवान ने कभी सोडा और पान मसाला तक का प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें। सचिन तेंदुलकर ने कहा, ये एक वादा था जो मैंने अपने पिता से किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं एक रोल मॉडल हूं और बहुत सारे लोग आपका अनुसरण करेंगे। यही कारण है कि मैंने कभी तंबाकू उत्पादों या अल्कोहल का एंडोर्समेंट नहीं किया। 1990 के दशक में मेरे बल्ले पर स्टिकर नहीं था, मेरे पास कोई अनुबंध नहीं था, लेकिन टीम का हर खिलाड़ी विशेष रूप से दो ब्रांडों विल्स और फोर स्क्वायर का समर्थन करता था। ये दोनों ही सिगरेट्स के बड़े ब्रांड थे। तेंदुलकर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने पिता से किसी भी शराब या तंबाकू से संबंधित ब्रांडों का समर्थन नहीं करने का वादा किया था। इस बारे में सचिन ने कहा, मैं इन ब्रांडों का समर्थन ना करके अपने पिता को दिए वादे को नहीं तोड़ सकता था। मेरे पास उनके बल्ले पर स्टिकर नहीं होने से उनके ब्रांड का समर्थन करने के लिए कई प्रस्ताव आए थे, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं इन दो चीजों से दूर रहा और अपने पिता से किया वादा कभी नहीं तोड़ा। सचिन जब तक क्रिकेट खेले तब तक उन्होंने युवाओं को प्रभावित किया। अब क्रिकेट छोड़ने के बाद भी अपने संस्कारों और अपने उसूलों से युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।